गोरखपुर विश्वविद्यालय के एनसी छात्रावास सहित अन्य छात्रावासों के छात्रों ने हॉस्टल की मूलभूत समस्याओं को लेकर बुधवार को विश्वविद्यालय के कुलपति वी के सिंह से मुलाकात की तथा हॉस्टल में व्याप्त समस्याओं को कुलपति को अवगत कराया। छात्रों का कहना था कि हॉस्टल में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है, सफाई की व्यवस्था खराब है, बिजली नहीं है, जिससे शिक्षा कार्य प्रभावित हो रहा है। छात्रों ने कुलपति से हॉस्टल का निरीक्षण करने का आग्रह किया तथा समस्याओं के निदान की भी मांग की, जिस पर कुलपति ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कुलपति वी के सिंह ने कहा, धीरे 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 एक आदमी मैं सभी बार पढ़ देता हूँ और आंखों से आंसू नहीं गिरते हैं। सर देखिए समस्याएं हैं सर, हम समस्त छात्रावासी आपका ध्यान छात्रावास की मूलभूत समस्याओं की तरफ आकर्षित कराना चाहते हैं, जिसके कारण इस समय छात्रावास में पढ़ाई तो दूर सर सांस लेना भी दुष्कर हो गया है। श्रीमान जी समस्याएं तो बहुत है, परंतु कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जिनकी वजह से हमारे शिक्षा स्वास्थ्य एवं विकास पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जो मूलभूत समस्याएं हैं सर, 21वीं सदी में भी अगर छात्रावासी वो भी गोरखपुर विश्वविद्यालय सीएम सिटी है सर, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और उसके लिए आंदोलन हम लोगों को करना पड़े तो स्वयं में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है सर। जो समस्याएं हैं सर कुछ सुन लीजिए। स्वच्छ पेयजल का सर्वथा अभाव है सर, एक भी फिल्टर आरो कुछ नहीं है सर, टंकी का पानी पीते हैं हम लोग, किस तरीके से मलेरिया खुला। दूसरा सर सब लोग साथ रहे, दूसरा सर मुख्य द्वार से लेकर पूरे परिसर में कहीं भी सार्वजनिक लाइट नहीं है सर। एक वीडियो बनाया है सर, अगर टाइम होगा तो देख लीजिएगा, शॉर्ट क्लिप है वो सर, एक भी लाइट नहीं है कमरे में। हम लोग अपने पैसे से बल्ब लगाए बस वही जलता है और टॉर्च की रोशनी में हम लोग काम करते बाहर निकलते हैं। स्नानागारों और शौचालयों की सर पता नहीं, 3 साल से तो मैं तीसरा साल है तो 3 साल से तो हमें सर इतनी टूटी फूटी हालत है शौचालय और बाथरूमों की कि वहाँ सर नाक देने लगना है किसी तरीके से। जगह जगह बिजली के नंगे तारे जो बोर्ड है सर खुले हुए, आप एक बार अगर सर चलेंगे बड़ी विनम्र निवेदन। सर बिजली के नंगे तारों का खतरा है पूरा, कमरों में टूटे फूटे बोर्ड और स्विचों का खस्ता हाल है, वो पता नहीं किस सदी के लगे हैं सर। जल पाइपों के फटने की वजह से पूरा सीढ़ी सर पानी से भरा है, कल एक लड़का गिर गया उसको चोट भी काफी ज्यादा आ गई, पूरा पानी में बह रहा है सर। और वो बाथरूम का पानी है सर, नालियां पूरी खुली हुई है सर, जल निकासी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, वो पानी पूरा भरता है वही नालियों में और जाम होता है जिससे कीड़े मकोड़े जीव जंतु। फिर आसपास झाड़ी सब बड़े हो गए सर, पिछले साल कुछ सफाई हुई थी अब पूरे बड़े हो गए हैं और विषैले जीव जंतुओं का तमाम खतरा रहता है। पिछले साल कई बच्चों को सियार भी काट लिया था, रात में एक सांप भी आ गया सर। मलेरिया और तमाम प्रकार के डेंगू बीमारियां हो रही है, फॉगिंग का सर तो एक बार 3 साल में हुआ है और हुआ ही नहीं है। तो सर फॉगिंग की नियमित व्यवस्था और समय पर जलापूर्ति की समस्या, पानी की टंकियां सब जैसे लगी हैं, सफाई हुई है ना सर, सोचिए कितनी भयावह स्थिति है, ये भयावह स्थिति है। और सर सुनिए, टेंडर किया गया है सारे हॉस्टलों में आरोप प्लांट लगाने का, अखबार में भी आपने पढ़ा होगा, अभी एक हफ्ते पहले डिसीजन दिया गया है, एक हफ्ते पहले आरोप प्लांट में थोड़ा टेंडर करने में समय लगता है सर, तो उम्मीद है कि एक महीने के अंदर सारे हॉस्टलों में आरोप का प्लांट लग जाएगा सर। सारे हॉस्पिटल में आरोप प्लांट लगाने सारे हॉस्पिटल आपसे हाथ जोड़ है, उसमें भी टॉयलेट के रिपेयर के भी बात पैसा आया हुआ है, उसके भी टेंडर लोकेट हो गया है, उसमें काम प्रारंभ हो जाएगा। बाकी जो आपके जो लाइटिंग की समस्या है वो अपने वार्डन से मैं बात कीजिए, मैं बात सर मैं वार्डन से बात सर, वार्डन की जो बात है सर उसका उनके वीडियो दिखा देंगे सर, वो कहे कि मैं कुलपति सर के पास लेटर पे लेटर लिखता हूँ, लेटर पे लेटर लिखता हूँ, सब अनसुना कर दिया जाता है सर। वो यही कल जेई सर से बात हुई, उन्होंने इतना अच्छा उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि बाबू आप बताओ कि आपके माँ बाप अगर आपको पैसा न दें तो आप कैसे पढ़ोगे, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं घर के पैसे नहीं बनाऊंगा, बल्ब लगाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है सर, ये बताते हैं वो।
अब बताइए सर, कहते हैं लेटर कॉर्डिनेटर लिख कर और वीडियो रिकॉर्डिंग किया सर, जैसे हमेशा ही होती है। बिजली कर्मचारी को सर बुला लीजिए, फोन करने के बाद फोन करने के बाद कहते हैं आ रहे हैं। जब फोन किया शहर के बाहर है सर, एक बड़ी विनम्र निवेदन है सर, आज मतलब आप हम लोग के माँ बाप सब आपको भी पता चलना है किस स्थिति किस भाई आपको स्थिति में मैं ठीक हो तो आए सर, नहीं आप चलिए सर, आप आएंगे ठीक है, हमें विश्वास है आप आएंगे सर, चलिए सर, आपका कमिटमेंट है सर, आपका कमिटमेंट है, आप चाहेंगे सर, हम लोग इंजीनियर और वार्डन से भरोसा हो गया सर, केवल आपसे सामान नहीं आया तो रूटीन हमेशा बनी रहती है, मेंटेनेंस बिजली पानी की समस्या रहती है, समय समय पर सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं, शिकायत दूर भी किया जाता है समय समय पे, जब स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाती है तो छात्रों का समूह आता है और हम अपने, चूँकि हमारे इंजीनियर कोई है नहीं, पद खाली पड़ा है और हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते हैं, टेंडर से कोटेशन से कार्य करते हैं, तो कभी कभी डिले हो जाता है कार्य में, लेकिन हमने परमानेंट व्यवस्था उसकी निकाली है, अभी उसके लिए टेंडर कोटेशन कर दिए गए हैं आरओ प्लांट वगैरह लगाने के लिए, शीघ्र ही आरओ प्लांट और बिजली की व्यवस्था ठीक कर ली जाएगी, कल हम लोग की पूरी टीम जाएगी हॉस्टल में, इंजीनियर को और जो हमारे स्टेट अफसर हैं वार्डन को सबको लेकर मैं हॉस्टल में जाऊँगा, स्वयं निरीक्षण करूँगा, जो तात्कालिक सुधार होगा वो तुरंत किए जाएंगे और जो अपने नियम के अनुसार कुछ समय के अनुसार होना होगा टेंडर कोटेशन के माध्यम से वो भी दूर किए जाएंगे।